आसिफ साहब महाराष्ट्र में चूक गई बीजेपी। नहीं मुझे पूरा करने दीजिए आप। 2014 में हम अहम चुनाव स्वबल पे लड़े, हमने सारे सीटों पे चुनाव लड़ा और हमें यश मिला। इस बार हमने समझौता किया, आधी आधी लगभग आधी से थोड़ा कम सीटें शिवसेना को दी। उसके बावजूद हमारा स्ट्राइक रेट आप देखिए, हमारा वोटिंग परसेंटेज आप यदि देखें, और एक दूसरे का मतदार जो है एक है। और ये होने के बाद और ये तैयार होने के बाद आपने 30 साल एक रिश्ता बनाने में लगाया और उसे क्षण भर नहीं लगाया तोड़ने में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना इतने अच्छे से 5 साल एक सरकार चली, एक नॉन करप्ट सरकार रही, आज भी आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, आज एक विषय नहीं है जहां आप देवेंद्र फडणवीस जी को आप पिन पॉइंट कर सकते हो किसी विषय के लिए। उनके डिलीवरेबल्स को लेकर 5 साल उन्होंने सतत सरकार दी, शिवसेना के साथ तालमेल जोड़कर अच्छा तालमेल बना रहा। ये लेकिन गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चलने की भी जिम्मेदारी थी। कोई नाइतफाकी हुई ये भी नहीं कि ना 5 साल के दौरान कॉर्पोरेशन में देखिए कॉर्पोरेशन में जब बात आई कीजिए ना सर, तो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे लिखवा लीजिएगा हमारा मुख्यमंत्री किसको बनना है, कितने साल तक बनना है, सिंगल मेयर चाहिए तभी तस्वीर साफ होगी। मेयर चाहिए हमने कहीं कहा बातों का तो क्या हो रहा है वो दिख रहा है। हमने कोई किसी किस्म का हमने उन्हें आप क्या कहते हैं बेलोस, हमने बिना बिना देखिए अभी आसिफ साहब ने कहा कि दिया समर्थन दिया बेवफा कौन, और नंबर जोड़ने के बाद भी पिछली सरकार में हमने 24 तारीख से लेकर अब तक लेकर सरकार बनाई, बहुत समय दिया है हमने 24 तारीख से लेकर अब तक में सोचने के लिए समझने के लिए शिवसेना की, अगर हमने साथ लेकर सरकार बनाई उन्हें फिर भी हमने समय दिया, हमने उनको शामिल किया कि नहीं, समय दिया हमने सोचने समझने के लिए। नैसर्गिक हमारा अलायंस है 2014 में हमें 30 साल के हमारे समर्थन को, फिर भी हम आपको 30 साल के हमारे समर्थन को साथ लेकर चले, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए 2.5 साल की 2.5 साल की हमारी मांग को पार्टी को आपके सहयोग की जरूरत थी तो आपने क्या किया ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा है और महाराष्ट्र की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी। थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि जब महाराष्ट्र जब भारतीय जनता पार्टी को आपकी जरूरत थी तो आपने मुंह फेर कर उन लोगों के साथ जाकर हाथ मिलाया जिनके खिलाफ आपने 30 साल तक अपना जनाधार बनाया, ने तो 90 से लेकर आज तक बेसा बीजेपी का साथ दिया। लड़ते जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी नहीं होते हैं, आप बोलिए ना सर, शिवसेना ने तो अपनी बात रखी है, शिवसेना ने तो 90 से लेकर आज तक तो बेसा ही बीजेपी का साथ दिया। इधर चुप होइए आप, थोड़ा सुना भी कीजिए, ये नहीं बोलते रहेंगे आप, सुनने की आदत डालिए थोड़ी सी। शिवसेना ने 90 से लेकर आज तक हमेशा बीजेपी का हमेशा साथ दिया है, जब बीजेपी के 2 सांसद थे तब भी, जब बीजेपी के 2 सांसद थे तब भी, और जब बीजेपी की सरकार सिर्फ 1 वोट पर गिर गई थी तब भी, और आज जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तब भी हमने हमेशा ये चाहा कि जिन मुद्दों को लेकर हम ये चाहते थे कि देश के अंदर बीजेपी एक मजबूत सरकार बने और उन मुद्दों को आप लोकसभा में और राज्यसभा में रख करके उनको पास कराएं, और आपकी सरकार 2014 में पूर्ण बहुमत से बन भी गई, और 2014 में जब आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई तो उसके बाद जब विधानसभा के इलेक्शन आए तो जो हमारा एक समझौता था कि ज़्यादा सीटों पर भी शिवसेना लड़ेगी महाराष्ट्र में, आपने उसको खारिज कर दिया, और उसके बाद 5 साल हमारे साथ जो व्यवहार किया वो हम जानते हैं। 2019 के चुनाव से पहले भी आपने फिर से हमसे वादा किया कि हम सीट शेयरिंग करेंगे 50-50 पर, और फिर लोकसभा के चुनाव हो गए, और चुनाव होने के बाद फिर से आपने ये कह दिया हमने अपने गठबंधन वाली सीट इस बात को नहीं मानोगे, थोड़ा देर चुप बैठा दीजिए, जनाधार आपके बीच में बोले आप संयुक्त दिया है 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद भी, आप इस बात को रोएंगे सुनने को, खत्म हो चुका है आपका हमारा गठबंधन, समझाने की बात खत्म हो चुकी है, जॉइंट जनाधार दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, सरकार किसने बनाई, आप इस बात से मुखर होगे, हमारा उद्देश्य आज एक ही है, आप इस बात का एहसास नहीं करोगे, गठबंधन को हम नकारते हैं, आपको लोकसभा में जितनी सीटें हैं आपको समर्थन, हमारा दिल घट गया आपसे, उसमें नहीं देते हैं आपको समर्थन, बना लीजिए अपनी सरकार, क्या भूमिका थी, जाइए बनाइए, क्या आप नहीं बनाइए अपनी सरकार,